Good morning, students. In this video, we are going to solve the next question of exercise 9.1, that is question number 13. The question, the statement is given to you and figure aapko nahi di hai book mein, to humne figure bana li hai. So here the question is, as obtained from the top of a 75 meter high lighthouse. 75 meter ye hai lighthouse AB. जो कि 75 मीटर है लाइट हाउस, ठीक है. टॉप ए है और बी इसका फुट है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45. ये पी पर एक शिप है और क्यू पर दूसरा शिप है. पी से इसका 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और क्यू पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है. सो ए से पी की तरफ देख रहे हैं, A is the observer, P पर इसका ऑब्जेक्ट है. सो हेज अ शिप ऑब्जेक्ट, 30 डिग्री एंगल बन रहा है एलिवेशन इसका डिप्रेशन, और 45 डिग्री दूसरा शिप से बन रहा है जो क्यूब पर है 45 डिग्री. अब 30 डिग्री का अल्टरनेट एंगल आ गया यहां पर 30, ठीक है, और इस 45 का अल्टरनेट ये आया और लाइट हाउस 75 मीटर. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. जो P से लेकर Q तक डिस्टेंस है वो फाइंड करनी हमने, P Q का डिस्टेंस फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो हाइट ऑफ द लाइट हाउस आपको दिया है, ठीक है बच्चों. P और Q क्या है, दो शिप्स. लेट P एंड Q बी द पोजीशन ऑफ द शिप्स, पोजिशन ऑफ द शिप्स. हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस जो ए बी है वो 75 मीटर है. एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन कौन सा है, सी ए पी जो कि ए पी बी के बराबर, वो है 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट, एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ये आपका 45 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले ट्राइंगल ए बी क्यू लेते हैं, फिर उसके बाद ए बी पी. दो हमेशा राइट ट्राइंगल्स लेने होते हैं और कोई नहीं लेना होता है. पहले ए बी क्यू लेंगे, उसके बाद ए बी पी लेंगे, ठीक है. तो ए बी क्यू ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल. इसमें ए बी अपॉन बी क्यू कर लेते हैं, टैन बन जाएगा. टैन एंगल क्या है, 45 डिग्री. सो ए बी आपके पास 75 है, बी क्यू आपको फाइंड हो जाएगा. टैन 45 हमेशा 1, यहां लिख लेते हैं टैन 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है. सो बी क्यू हमारे पास 75 मीटर आ गया. अब हम दूसरा राइट ट्राइंगल ए बी पी, ए क्यू पी नहीं लेंगे, ये राइट नहीं है, दिस इज राइट ट्राइंगल ए बी पी. अगेन इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, अगेन हम ए बी ऊपर और बी पी, तो फिर से टैन बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस बार एंगल 30 डिग्री है. नाउ ए बी तो 75 है हमारे पास, वी नो इट गिवन. बी पी, बी पी में हम बी पी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पी क्यू प्लस बी क्यू. टैन 30 1 अपॉन रूट 3 होता है. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों जब हम, तो आएगा पी क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 75 रूट 3. पी क्यू प्लस बी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, और 75 टू रूट 3. नेक्स्ट स्टेप, पी क्यू जो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, पी क्यू इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस बी क्यू. तो बी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 75 आई है. सो पुट कर लेते हैं पी क्यू 75 रूट 3 माइनस 75, बिकॉज बी क्यू जो हमने फाइंड किया था 75 मीटर. So we have PQ is equal to 75 under root 3 minus 1
मीटर. देयरफोर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, बिटवीन द टू शिप्स कितना है बच्चों, इज 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर. बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस से सब कुछ आसान हो जाता है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा. सो विल गो ऑन प्रैक्टिसिंग, इसी टाइप के और रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा. और ये याद रखना है कि इसमें फिगर बनानी पड़ेगी, पहले आपको फिगर सही होगी, देन यू हैव टू टेक द राइट ट्रायंगल्स.